हाँ जी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका टॉपिक चल रहा था प्रपोजिशन और प्रपोजिशन के बारे में, यानी हमने आपको लगभग यूज ऑफ आई तक बता दिया था, यानी एडवर्ब हो गए, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये टॉपिक जो थे यानी पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपको कंप्लीट करा दिया और चर्चा चल रही थी प्रपोजिशन में। और प्रपोजिशन में अब हम देखते हैं, बताओ यूज ऑफ आई क्लियर हो गया, अगली हेडिंग लगाओ आप यूज ऑफ थ्रॉ, यूज ऑफ थ्रॉ मीन्स होता है के द्वारा, यानी यूज ऑफ थ्रॉ का मीन्स होता है के द्वारा। बेटा कोई वस्तु है, कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है और वह एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की कोशिश कर रहा है, यानी ए मैन आर गोइंग टू वन पॉइंट टू नेक्स्ट पॉइंट या अदर पॉइंट, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने की जब कोशिश कर रहा है तो वहां पर थ्रॉ का प्रयोग किया जाता है। लिखो बेटा इसमें, एक छोर से, एक छोर से दूसरे, एक छोर से दूसरे छोर, दूसरे छोर कोष्ठक में अंदर से, यानी एक छोर से दूसरे छोर कोष्ठक मिटाओ, अंदर से छोर को दिखाने, छोर को दिखाने के लिए, दिखाने के लिए थ्रॉ का, दिखाने के लिए थ्रॉ का यूज किया जाता है, थ्रॉ का यूज किया जाता है। एट मीन्स यह बात निकल के आई बताओ 1.2 एनोदर, एनोदर पॉइंट, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक, लेकिन स्थिति कहां की होनी चाहिए, इनसाइड, अंदर की, इनसाइड अंदर को आप सोच उसे दिखाने के लिए यूज ऑफ थ्रॉ पोजीशन, यानी उस ऐसी स्थिति को दिखाने के लिए थ्रॉ का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल लिखो बताओ, एग्जांपल में नोट करो, ए स्नैक, ए स्नैक एंटर्ड, एंटर्ड माय स्कूल, ए स्नैक एंटर्ड माय स्कूल, फ्रॉग ए विंडो, फ्रॉग ए विंडो। देखो बताओ, स्नैक सांप एंटर्ड, प्रवेश किया माय स्कूल, मेरे विद्यालय में, फ्रॉग माने के द्वारा, ए विंडो एक खिड़की से। बताओ वो पहले जो था, यानी सांप जो था, यानी ये व्यक्ति सांप जो था, ये कहां था, यानी बाहर था, लेकिन किसके द्वारा आया है, अंदर किसके द्वारा आया, विंडो के द्वारा, और क्या किया इसने, प्रवेश किया। जब विंडो के द्वारा प्रवेश किया तो थ्रॉ हो गया कि हो गया, के द्वारा, भाई किसके द्वारा आया, यानी कोई माध्यम के द्वारा आया, यानी वो बाहर था पहले और बाहर से फिर कहां आया, अंदर आया। तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए थ्रॉ का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जांपल देखो बताओ, सेकंड देखो, टू फ्रेंड्स बर होजिंग फ्रॉग, वर होजिंग फ्रॉग ए फॉरेस्ट, फ्रॉग ए फॉरेस्ट, सॉरी पॉसिंग, यानी दो मित्र, यानी टू फ्रेंड्स थे, अपने पास कितने मित्र थे, टू फ्रेंड्स थे, और वो क्या हो रहे थे, बॉसिंग मानी गुजर रहे थे फ्रॉग ए फॉरेस्ट जंगल के द्वारा। भाई वन जो होते हैं काफी बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं, जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक निकलने की कोशिश करेंगे तो उनका बीच का जो माध्यम है वो क्या हो जाएगा, फ्रॉग। यानी वही स्थिति आ गई, जब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने की कोशिश कर रहा है तो उसे दर्शाने के लिए फ्रॉग का प्रयोग किया जाता है। नंबर दो पॉइंट,
नंबर दूसरा के माध्यम, के माध्यम से, के माध्यम से बाय मीन्स ऑफ, के माध्यम से बाय मीन्स ऑफ को, बाय मीन्स ऑफ को दिखाने के लिए, बाय मीन्स ऑफ को दिखाने के लिए फ्रॉग का यूज किया जाता है, फ्रॉग का यूज किया जाता है। देखो बेटा स्थिति ये कह रही है के माध्यम से, यानी कोई वस्तु है और वो कहां है, के माध्यम यानी वाय मीन्स ऑफ, वाय मीन्स ऑफ को सूज दिखाने के लिए फ्रॉग का यूज किया जाता है। कोई वस्तु है और वस्तु को दिखाने के लिए, यानी वस्तु को हम दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उसे दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फ्रॉग का प्रयोग किया जाता है। यानी उसके माध्यम की स्थिति दर्शाने के लिए, माध्यम बताने के लिए फ्रॉग का हम क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में देखो, ही न्यू अबाउट हिज डेथ फ्रॉम टेलीविजन, फ्रॉम टेलीविजन। देखो बेटा ही न्यूज़ ने जाना किसके बारे में, मृत्यु के बारे में, किसके बारे में जाना, मृत्यु के बारे में, किसकी, उसकी, किसके द्वारा बताओ, टेलीविजन। तो टेलीविजन जो है यहाँ पे क्या हो गया, वो माध्यम हो गया, टेलीविजन उसका क्या हो गया, माध्यम हो गया। तो ये ऐसी स्थिति को या माध्यम वाली स्थिति को दर्शाने के लिए फ्रॉग का प्रयोग किया जाता है। दो पॉइंट है, एक बार उसे दोहरा देता हूं, एक छोर से दूसरे छोर यानी अंदर से को दिखाने के लिए फ्रॉग का यूज किया जाता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी वस्तु की अंदर की स्थिति को दर्शाने के लिए फ्रॉग का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, ए स्नेक एंटर्ड माय स्कूल थ्रू ए विंडो, दूसरा है टू फ्रेंड्स वर पासिंग पासिंग फ्रॉग ए फॉरेस्ट, दोनों हो गए बाय मीन्स यानी माध्यम को दिखाने के लिए भी, यानी किसका प्रयोग किया जाता है, फ्रॉग का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉग प्रपोजिशन जो बेटा कंप्लीट हो गया, अगली हेडिंग लगाओ ऑफ, वो है यूज ऑफ, हाँ जी हेडिंग लगाओ, अगली हेडिंग आपकी यूज ऑफ, ऑफ ऑफ का प्रयोग। बेटा ऑफ जो होता है यह अधिकार यानी किसी का संबंध दर्शाने के लिए, ऑफ का प्रयोग यानी किसी भी व्यक्ति के साथ उसका क्या होता है, संबंध होता है, संबंध को दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा लिखो इसमें पसेशन, पसेशन या रिलेशन अधिकार, अधिकार या संबंध, अधिकार या संबंध को दिखाने के लिए, अधिकार या संबंध को दिखाने के लिए ऑफ का यूज किया जाता है, ऑफ का यूज किया जाता है या ऑफ का प्रयोग किया जाता है। बताओ कोई भी व्यक्ति का क्या है, पसेशन यानी उसका क्या है, किसी वस्तु के ऊपर अधिकार है
या फिर क्या उसका कोई संबंध है, क्या रिलेशन है, उसे सोच दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑफ हमेशा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का उसके साथ क्या दर्शाता है, संबंध दर्शाता है, यादगार दर्शाता है। एग्जाम्पल नोट करो बेटा और एग्जाम्पल में लिखो कि one of
the most, he is one of the most intelligent boys. देखो, he जो है the one of eight, वह एक the most intelligent boy, यानी एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का है. लड़का तो है लेकिन बहुत अधिक क्या है, बुद्धिमान है. पोजीशन यानी जो उसकी स्थिति है वो क्या है, अधिक बुद्धिमान की है. किसकी स्थिति है, अधिक बुद्धिमान की है. बुद्धिमान तो है लेकिन बहुत सारे लोगों में से अधिक बुद्धिमान है. द मोस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो गया कि नहीं हो गया, यानी एक तरीके से बहुत ज्यादा होशियार है. कैसा होशियार है, बहुत ज्यादा होशियार है. तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए बहुत सारे लोगों में से यानी उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है. अधिकार या संबंध दर्शाने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है. ऑफ जो है आपका कंप्लीट हो गया. बताओ आगे चर्चा करेंगे यूज ऑफ एनोन. देखो अगला है यूज ऑफ एनोन. अरे लगाओ बताओ यूज ऑफ अनोन मीन्स हो गया बहुत सारे लोगों में से. मीन्स हो गया बहुत सारे लोगों में से. यूज ऑफ अनोन यानी वस्तु है, व्यक्ति है, लेकिन वो क्या है, दो से अधिक है. दो से अधिक व्यक्ति वस्तु में से एक को छानने के लिए यानी बहुत सारे लोगों को इंगित करने के लिए अनोन का किया जाता है. देखो बताओ इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के बीच काम होने पर अमाउंट का यूज किया जाता है. देखो बताओ हमारे पास क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों पर्सन एंड थिंग्स और वस्तुओं के बीच क्या होने पर, काम होने पर यानी संपर्क होने पर, वर्क होने पर इसका प्रयोग करते हैं हम, अमाउंट का प्रयोग किया जाता है. एग्जांपल देखो बताओ नंबर फर्स्ट प्राइज इज पर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द स्टूडेंट अब देखो बताओ इनाम की उसके पास क्या थी, इनाम की प्राइज थी, उनको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया अमोंग द स्टूडेंट किसके मध्य, विद्यार्थियों के मध्य. यानी प्राइजेस को विद्यार्थियों के मध्य क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है. तो स्थिति आ गई यानी स्टूडेंट्स. अब देखो ये संज्ञा जो प्लूरल है कि नहीं है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन में से उनको बहुत सारे लोगों के बीच क्या हो गया, काम हो गया, संपर्क हो गया. तो किसका प्रयोग कर दिया हमने, अमाउंट का क्या कर दिया, यूज कर दिया. दूसरा एग्जाम्पल देखो बताओ among the tail people. यानी देखो बताओ मैंने एक लड़ाई देखी, क्या देखी मैंने, लड़ाई देखी यानी among the tail people यानी टेल प्योपल लोगों के
मत यानी जो लोग थे असमत थे, ऐसे लोग थे उनके मध्य मैंने एक फाइट देखी, लड़ाई देखी। तो ये स्थिति ये कह रहा है कि जो वो लड़ रहे थे तो बहुत सारे हुए, बहुत सारे लोगों के मध्य उसकी क्या हो गई, स्थिति हो गई। यानी ऐसी वस्तु या व्यक्ति जो दो या दो से अधिक के बीच काम होने पर, यानी दो या दो से अधिक के बीच काम होने पर अमाउंट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नंबर सेकंड कॉन्टेक्स्ट में सेकंड पॉइंट को नोट करो, बताओ लिखो दो से अधिक, दो से अधिक जगह की, दो से अधिक जगह की बात की जाए तो वहां अमाउंट का, तो वहां अमाउंट का प्रयोग किया जाता है, तो वहां अमाउंट का प्रयोग किया जाता है। बिटाओ कोई बस, यानी क्या है, दो या दो से अधिक, यानी जगह, यानी क्या है, प्लेस है, दो या दो से अधिक जगह की क्या की जाए, हम बात की जाए या क्या करें, हम बात करें तो वहां अमाउंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं, अमाउंट का प्रयोग करते हैं। जब दो या दो से अधिक स्थानों के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बताओ देखो एग्जाम्पल में श्रीनगर इज सिचुएटेड अमोंग मैनी हिल्स, अमोंग मैनी हिल्स राजगढ़ इज लोकेटेड अमोंग मैनी प्लेस, अमोंग मैनी प्लेस दिस पोजिशन मीन्स श्रीनगर, यानी एक स्थान है, क्या है, स्थान है, इंस्टीट्यूटेड स्थित है अमोंग मैनी हिल्स, बहुत सी पहाड़ियों के मध्य, यानी श्रीनगर एक स्थान है और वो बहुत सी पहाड़ियों के क्या है, मध्य है। बताओ जब पहाड़ियों हुई है, पहाड़ियों के मध्य हो गया, तो दो या दो से अधिक जगह की बात कर रहे हैं, पहाड़ी की भी बात कर रहे हैं और श्रीनगर की भी बात कर रहे हैं, हो गई कि नहीं हो गई। राजगढ़ एक स्थान हो गया, इज लोकेटेड स्थित है अमोंग मैनी प्लेस बहुत से गाँव के, यानी राजगढ़ जो है वो बहुत से गाँव के क्या है, मध्य स्थित है, या राजगढ़ उन गाँव के मध्य में पोजिशन हो गई। तो ऐसे मीन्स, इसका मीन्स ये निकल के आया, जब कोई विषय वस्तु क्या हो उसके मध्य में हो और मध्य की क्या दर्शाए, वो पोजिशन दर्शाए, तो उसे दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अमोंग का यूज किया जाता है या अमोंग का प्रयोग किया जाता है। कोई बात आ गई, दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के बीच काम होने पर अमोंग का यूज करते हैं, और दूसरा है दो या दो से अधिक जगह की बात की जाए तो वहां पर भी अमोंग का प्रयोग करते हैं। अब देखो बताओ अगला यूज ऑफ बिल, अगला पॉइंट है यूज ऑफ बिल। देखो विद का मीन्स होता है साथ, क्या होता है, साथ या सहयोग करने वाला, कोई विषय वस्तु है और वह उसके किसी के साथ क्या है, मिली हुई है या जुड़ी हुई है या सहयोग कर रही है, तो ऐसी पोजीशन को दर्शाने के लिए यानी किसका प्रयोग किया जाता है, विद का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना
यानी अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो वहां पे हम विद का प्रयोग करें, कोई वस्तु किसी के साथ है, पोजीशन में है, तो देखो बेटा लिखो इसमें किसी के संयोग, किसी के सहयोग से कार्य करना, सहयोग से कार्य करने या करना करने के लिए, किसी के सहयोग से कार्य करने के लिए विद का यूज किया जाता है, विद का यूज किया जाता है, किसी के सहयोग से हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, किसी के सहयोग से हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे सहयोग को दर्शाने के लिए विद का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं हम, विद का प्रयोग करते हैं या विद का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लिखो बताओ, एग्जाम्पल में नोट करो, आई वाज प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स। देखो बताओ स्थिति आ गई, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं विद माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों के साथ। तो मैं जो कार्य कर रहा हूं, माना आई नामक कर्ता है, मैं जो कार्य कर रहा हूं, मेरा कार्य क्या हो गया, खेलना क्रिकेट, किसके साथ खेल रहा हूं मैं, मेरे मित्रों। तो मित्रों के साथ क्या हो गया, सहयोग का कार्य हो गया कि नहीं हो गया। तो सहयोग के कार्य को दर्शाने के लिए, साथ के कार्य को दर्शाने के लिए विद का क्या किया गया बताओ, प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, विद का। दूसरा एग्जाम्पल देखो, he went to cinema, he went to cinema with his parents, with his parents, he went to cinema, वो कहाँ गया था, अरे सिनेमा देखने गया था, कहाँ गया था वो, सिनेमा देखने गया था with his parents, किसके साथ, अपने माता पिता के साथ, बस सिनेमा देखने गया था, लेकिन किसके साथ, अपने माता पिता के साथ। तो एज ए पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन दर्शाई गई है कि वो उसके साथ या किसके साथ, तो भाई पेरेंट्स ग्रैंडफादर के साथ उसकी स्थिति आ गई। तो विद इज पेरेंट्स, अपने दादाजी के साथ, माँ के साथ, पिताजी के साथ, किसी के साथ पोजीशन आई, तो विद का क्या किया गया, यहाँ पे यूज किया गया है। देखो बताओ नंबर सेकेंड पॉइंट डालो इसमें, और सेकेंड में लिखो helping means सहायक साधन, सहायक साधन दिखाने के लिए, सहायक साधन दिखाने के लिए, दिखाने के लिए विद का यूज किया जाता है। विद का यूज किया जाता है। देखो बताओ कोई भी साधन है, कोई भी क्या है, साधन है, और वो क्या है, सहायता कर रहा है, सहायक साधन है, कोई भी हेल्पिंग मींस है, सहायक साधन है, और उसे दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखो बताओ, सी रोट टू मी विद ए पेन, सी रोट टू मी विद ए पेन। सेकेंड देखो बताओ, सी बाज कटिंग वेजिटेबल्स विद ए नाइफ। दो पोजीशन है हमारे पास, यानी पोजीशन कितनी है, दो पोजीशन है, तो दोनों पोजीशन को, यानी वह लिखती है किससे, पेन के साथ, एज ए मींस ऑफ पेन, यानी यह साधन कौन सा हो गया, पेन हो गया, क्या हो गया, पेन हो गया, एक साधन को दर्शा रहा है, पोजीशन किसकी दर्शा रहा है, साधन की।
दूसरा है सी बार कटिंग वेजिटेबल्स, कोई सब्जियां काटनी है विद ए नाइफ, किसके साथ, चाकू के साथ। तो बताओ किसी भी वस्तु के साथ साधन की स्थिति, क्या दर्शाने के लिए, साधन की स्थिति या साधन की पोजीशन दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विद का प्रयोग किया जाता है, लिखने के लिए, काटने के लिए, खेलने के लिए, यानी कि जो वस्तुएं आती हैं जो सहायक साधन है, ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए हम विद का प्रयोग करते हैं। आगे के नेक्स्ट बिंदु जो है इसका अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।